गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू ड्राइंग। दिस वीडियो इज फॉर क्लास सिक्स। ओके, यू हैव टू ओपन पेज नंबर 22। ओके, देयर इज अ फ्लावर वास, फ्लावर वास है। देखिए कैसे करना है हमें। सबसे पहले हमें वाटर कलर यूज करना है इसके अंदर। देखिए क्या क्या चीजें यूज करनी है। वाटर कलर यूज करना है। अगर आपके पास 0.1 ब्रश है, इट्स ओके। इफ यू डोंट हैव, देन यू कैन यूज द स्केच। तो अब आप स्केच यूज कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट द पिक्चर। You can see the picture is incomplete. Then first of all complete this picture with the pencil. Picture को pencil के साथ में complete कीजिए। After that start coloring. Color कैसे करना है मैं आपको भी बताती हूँ। Complete this. See, picture is completed. Now start coloring. Color कैसे करना है? एकदम light way में color करना है। देखिए जैसे मैंने yellow color लिया है, सबसे पहले तो yellow एकदम जैसे एकदम light करना है। अगर थोड़ा सा डार्क हो जाए तो थोड़ा सा वाटर लेके और उसको स्प्रेड कर दीजिए, तो वो आपका और लाइट होता जाएगा। इट इज अ टेक्निक टू मेक द कलर लाइट। ओके, कलर द वास फर्स्ट, आफ्टर दैट कलर द फ्लावर्स, एंड आफ्टर दैट कलर द लीव्स विद द लाइट। तो आप देख सकते हैं मेरा पॉट कंप्लीट हो चुका है। नाउ आई एम कलरिंग द लीव्स विद अ ग्रीन कलर। एकदम लाइट 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 कलर करना है। Yes, look at this. I have completed my leaves. Now I am going to color the flowers with a red color. Okay. But वो light होना चाहिए एकदम। एकदम से लाइट होना चाहिए। यस, लुक एट दिस पिक्चर। द पिक्चर इज कंप्लीटेड विद अ वाटर कलर। अब आपको कौन सी मेथड अप्लाई करनी है? स्टिपलिंग मेथड। स्टिपलिंग मेथड कौन सी होती है? कलर लाइट होना चाहिए, उसके ऊपर डॉट बनते हैं, है ना। अब डॉट बनते हैं तो देखिए, अगर आपके पास में 0.1 की ब्रश हो, नंबर वन ब्रश हो या 0.1 या 0.01 हो, तो उससे आप क्या कर सकते हैं? पॉइंट दे सकते हैं। अब आपके पास नहीं है अगर अवेलेबल घर पे, तो यू कैन यूज द स्केच। आप स्केच को यूज करके स्टिपलिंग टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। स्टिपलिंग टेक्निक का मीन्स होता है छोटे 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 पॉइंट्स देना। अब वो पॉइंट्स तो आपके किससे आएंगे? सीधा सीधा नंबर वन ब्रश से आएंगे या 0.1 से आएंगे। तो अब वो आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है तो यू कैन यूज द स्केच। तो आप स्केच यूज कर सकते हो। अब देखिए मैंने लाइट येलो यूज किया है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑरेंज यूज कर रही हूं, जिसके कारण क्या है कि आपका कलर दिख सके, है ना। तो कलर वैसा ही यूज करना है जो आपको दिख सके। तो आप देख सकते हैं ये स्टिपलिंग मेथड कैसे चल रहा है। यस, सी, हाउ द स्टिपलिंग मेथड इज डन। अब हमारे क्या रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स रहे। अब फ्लावर्स की बारी आएगी। थोड़ा सा इसको आउटलाइन भी, जो कलर से आप स्टिपलिंग मेथड कर रहे हो उस कलर से थोड़ा सा आप इसको आउटलाइन भी दे दीजिए, तो कलर और सुंदर दिखेगा।
अब हम लेते हैं नेक्स्ट कलर जो कि रेड कलर है। यस, थोड़ा सा वाइट का भी शेड दीजिए। स्टिपलिंग मेथड के अंदर छोटे छोटे डॉट्स बनाते हुए तो आपको मेरे हिसाब से स्टिपलिंग मेथड का भी शेड दीजिए। स्टिपलिंग मेथड के अंदर छोटे छोटे डॉट्स बनाते हुए तो आपको मेरे हिसाब से स्टिपलिंग मेथड समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट स्टेप आपका होता है लाइट कलर करना, एकदम से लाइट। उसके बाद में क्या आपको क्या करना होता है, छोटे छोटे उसके ऊपर उसी ब्रश से डॉट्स बनाने होते हैं। अगर आपके पास ब्रश अवेलेबल नहीं है देन यू कैन यूज द स्केच, आप स्केच यूज कर सकते हो उसके लिए। यस, यू कैन सी द पिक्चर इज लुकिंग सो ब्यूटिफुल, है ना, पिक्चर बहुत ही अच्छी दिख रही है। सो यू हैव टू डू एज आई हैव डन, ओके। सो आप ये देख सकते हो कि ये मैंने जो व्हाइट स्पॉट्स है ये पेंसिल से दिए। तो अगर आपके पास स्केच भी अवेलेबल नहीं है तो वाटर कलर के अंदर पेंसिल से भी, पेंसिल की टिप से आप इसको पॉइंट आउट कर सकते हो, है ना। आप देख सकते हो मैंने एक नया मेथड निकाल लिया, नई टेक्निक निकाल ली है कि अगर आपके पास कोई चीज अवेलेबल नहीं हो तो आप कैसे आप उसको यूज कर सकते हो। तो अगर मेरे पास ना ही स्केच है ना ही 0.1 पेंसिल है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, पेंसिल की टिप भी यूज कर सकते हैं या पेन की टिप भी यूज कर सकते हैं कलर को स्टेपल करने के लिए। तो आपको मेरे हिसाब से स्टेपलिंग मेथड समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू फॉर टुडे क्लास।